बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह को पाकिस्तान में परफॉर्म करना भारी पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उन्होंने कुछ समय पहले पाकिस्तान की एक शादी में परफॉर्म की थी, जिसकी वजह से वो मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच उनका एक वीडियो हाल ही में वायरल हो गया है। वीडियो पाकिस्तान में उनके एक परफॉर्म का था। इस वीडियो के आने से मीका सिंह का विरोध होने लगा है। इसके अलावा कई लोगों ने कई तरह की मांग की है। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICWA ने मीका सिंह पर बैन लगा दिया है। ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्यामलाल गुप्ता ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी है। श्यामलाल गुप्ता ने कहा है कि मीका के मूवी प्रोडक्शन हाउस, म्यूजिक कंपनी और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर के साथ उनके सभी कॉन्ट्रैक्ट को बायकॉट करने का फैसला लिया है। इसके अलावा एसोसिएशन ने मीका की सभी फिल्में, गाने और एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ काम करने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने कहा है कि ऑल इंडिया सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन यानी AIWCA इस बात का ध्यान रखेगा कि इंडस्ट्री में कोई भी मीका सिंह के साथ काम नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे और उसे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच का तनाव अपने चरम सीमा पर है, उस समय में मीका ने देश के गौरव से बढ़कर पैसों को ज्यादा अहमियत दी है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले मीका का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के रिश्तेदार की शादी में परफॉर्म करते नजर आए थे। तमाम लोगों ने मीका की परफॉर्म पर नाराजगी जताई है। फैंस ने मीका को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया है और फिल्म इंडस्ट्री में मीका पर बैन लगाने की बात की है। अगर आपके पास कोई वीडियो सूचना या फिर कोई सुझाव है तो आप हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल पे भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक।